Hello everyone, in the previous video we discussed RS flip-flop or the reset set flip-flop. In today's video we will discuss the clocked RS flip-flop. We found that in RS flip-flop the output changes immediately with the change in the input signal, but there is a disadvantage with the RS flip-flop. That is, when two input signals R and S are applied to a circuit, there is a time delay between these two signals which may lead to a wrong output result. In order to overcome this problem of unequal propagation delay time of input signals, the circuit of the RS flip-flop is modified as shown in the figure 1. In this circuit, two AND gates and a clock pulse train input are also added to the RS flip-flop circuit. So this circuit is also called RS flip-flop circuit. हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रीवियस क्लास में जो RS flip-flop हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि जो भी इनपुट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं R और S, दोनों एक ही टाइम में अप्लाई नहीं होता है, जिसके कारण दोनों सिग्नल के बीच में अनइक्वल प्रोपगेशन डिले टाइम हो जाता है और इसके कारण जो आउटपुट रिज़ल्ट है वो सही सही हमको नहीं मिल पाता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग इस सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉक्ड RS फ्लिप-फ्लॉप। क्लॉक्ड RS फ्लिप-फ्लॉप में हम लोग दो गेट यूज़ कर रहे हैं, AND गेट, दो AND गेट है CND और एक क्लॉक पल्स ट्रेन जिसको CLK से डिनोट किए हैं, इसमें ऐड किए हैं। उसके अलावा दो NOR गेट्स है A&B, क्यू और क्यू बार आउटपुट है, क्यू है आउटपुट NOR गेट A का और NOR गेट B का जो आउटपुट है वो है क्यू बार, और S और R जो है वो इनपुट है गेट C एंड गेट D का रिस्पेक्टिवली, और CLK जो है दैट इज़ दी क्लॉक पल्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्लॉक पल्स है तो इसका जो वैल्यू होगा वो कंटिन्यूस एक पल्स ट्रेन होगा जिसका वैल्यू कंटिन्यूस 0101 करके हमको मिलता जाएगा। यानी कि इस क्लॉक पल्स का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, मतलब या तो इसका लेवल लो लेवल पे रहेगा ये क्लॉक या फिर हाई लेवल पे रहेगा। द क्लॉक सप्लाइज द लो एंड द हाई लेवल्स ऑफ सिग्नल्स टू द AND गेट्स सी एंड डी। तो क्लॉक का ये काम है कि वो कंटिन्यूस लो एंड हाई लेवल्स सिग्नल अप्लाई करेगा AND गेट सी एंड डी को रेगुलरली। When the clock signal is at low level, suppose अभी clock signal अगर low level पे है, मतलब 0 है इसका अगर value, then AND gate C and D are disabled. So at this time, the input signals R and S cannot be transferred to the NOR gates A and B, and therefore the NOR gates A and B simply behaves as a simple latch circuit holding the previous value of signal at output. पहले हम लोग ये सपोज कर रहे हैं कि क्लॉक सिग्नल का वैल्यू लो लेवल पे है, मतलब 0 है। अगर क्लॉक लो है तो जो AND गेट C और D होगा वो डिजेबल्ड होगा। डिजेबल्ड इसलिए होगा क्योंकि कोई भी एक इनपुट अगर AND गेट का 0 होता है तो हमको 1 नहीं मिलेगा उसके आउटपुट पे। तो इसलिए अभी जब तक क्लॉक का वैल्यू लो लेवल पे रहेगा, मतलब जब तक क्लॉक का वैल्यू 0 रहेगा, जो भी हम लोग इनपुट सिग्नल उसमें देंगे, कोई भी इनपुट सिग्नल R और S C और D से ट्रांसफ़र होकर के NOR गेट तक नहीं जाएगा। इसलिए NOR गेट्स जो है A और B, ये सिंपली एक लैच सर्किट के जैसा बिहेव करेगा और ये जो प्रीवियस वैल्यू है सिग्नल का आउटपुट पे सिर्फ उसी को होल्ड करके रखेगा। द यूज़ ऑफ द क्लॉक ट्रेन पल्सेस सर्व्स द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द ऑपरेशंस दैट टेक प्लेस इन द डिजिटल सिक्वेंशियल सर्किट्स।
They avoid the problems posed due to unequal propagation delay time associated with gates. तो इसका एडवांटेज क्लॉक पल्स का ये है कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा था अनइक्वल प्रोपोगेशन डिले टाइम का, इसको ये ख़त्म कर देता है व्हेन द क्लॉक सिग्नल इज़ प्रेजेंट. अब हम लोग वो केस ले रहे हैं कि क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट है, मतलब क्लॉक का वैल्यू जब वन है या फिर हाई लेवल है, दैट इज़ व्हेन द क्लॉक सिग्नल इज़ प्रेजेंट और एट हाई लेवल, देन द एंड गेट्स सी एंड डी आर इनेबल्ड. तो अभी जो एंड गेट्स जो सी एंड डी है वो इनेबल्ड हो जाएगा, और अभी जो भी हम लोग सिग्नल देंगे आर और एस पे, दे आर ट्रांसफर्ड टू द नॉर गेट्स ए एंड बी एंड क्यू इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंगली. तो अभी अभी जब क्लॉक का वैल्यू हाई है, मतलब वन है, तो अभी जो भी हम लोग सिग्नल का वैल्यू देंगे आर और एस का, सी और डी जो है अभी इनेबल्ड हो जाएगा, और जो भी वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग मेरा क्यू का वैल्यू चेंज होगा. तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर तीन इनपुट है, एक है आर, दूसरा है एस, और द थर्ड इनपुट है वो है क्लॉक सिग्नल. दैट इज़ इन समरी वी कैन से दैट देर आर थ्री इनपुट्स आर एस एंड क्लॉक सिग्नल्स विच इज़ डिनोटेड बाई सी एल के विच इन्फ्लुएंसेस द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. तो यहाँ तीन इनपुट जो है वो आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप को चेंज करेगा. इसका हम लोग ट्रूथ टेबल दिखाए हैं फिगर थ्री में, वेयर द सबस्क्रिप्ट स्मॉल एन इज़ यूज टू इंडिकेट दैट द इनपुट्स आर एन एंड एस एन आर अप्लाइड टू द सर्किट एट द nth इंस्टेंट ऑफ टाइम. आर एन एंड एस एन डिनोट कर रहा है जो भी इनपुट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं nth टाइम पे, और क्यू एन डिनोट कर रहा है आउटपुट एट द nth इंस्टेंट ऑफ टाइम. उस समय जो आउटपुट है उसको हम लोग क्यू एन से डिनोट किए हैं. क्यू एन प्लस वन जो है वो डिनोट कर रहा है आउटपुट आफ्टर द नेक्स्ट पल्स ऑफ क्लॉक फ्रॉम द nth इंस्टेंट, मतलब nth टाइम के बाद जो क्लॉक आएगा उसको डिनोट, उसके बाद जो आउटपुट होगा उसको डिनोट किए हैं क्यू एन प्लस वन से. जो सिंबल स्टार के जैसा शो किए हैं हम लोग ट्रूथ टेबल में, वो डिनोट करता है कि कोई भी वैल्यू हो सकता है आर और एस का. दैट इज़ द सिंबल स्टार इन द ट्रूथ टेबल डिनोट्स फॉर एनी लेवल ऑफ द सिग्नल. नाउ सिग्नल इज़ अप्लाइड टू द इनपुट आर एंड एस. अब हम लोग सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इनपुट आर और एस पे जब क्लॉक सिग्नल लो है, मतलब पहला कंडीशन ले रहे हैं जब क्लॉक लो है, और अभी हम लोग इनपुट आर और एस अप्लाई कर रहे हैं गेट्स एंड गेट सी और डी पे. तो जब तक क्लॉक का वैल्यू लो रहेगा, हम लोग आर और एस का कुछ भी वैल्यू देंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा इनपुट में. मतलब आर का वैल्यू और एस का वैल्यू 0 0 देंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा, आर का वैल्यू 0 देंगे एस का वैल्यू 1 देंगे फिर भी कोई चेंज नहीं होगा, आर का वैल्यू 1 देंगे एस का वैल्यू 0 देंगे फिर भी कोई चेंज नहीं होगा आउटपुट में, आर का वैल्यू 1 देंगे एस का वैल्यू 1 देंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा आउटपुट में, जब तक क्लॉक का वैल्यू लो रहेगा. मतलब जब तक क्लॉक का वैल्यू 0 रहेगा, आर और एस का कोई भी वैल्यू देंगे तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा. तो उसी को हम लोग दिखाए हैं कि जब हम लोग क्लॉक पल्स अप्लाई किए हैं, और जब क्लॉक पल्स जो है अप्लाई करने के बाद का जो आउटपुट है वो सेम रहेगा जो पहले का वैल्यू था. जब किस केस में, जब क्लॉक का वैल्यू लो है तो आर और एस का कोई भी वैल्यू देंगे तो ये वैल्यू सेम वही रहेगा. मतलब इस केस में इट विल बिहेव लाइक अ लैच सर्किट एंड इट विल होल्ड द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द सिग्नल एट द आउटपुट. अब हम लोग सेकेंड कंडीशन ले रहे हैं, मतलब जब क्लॉक का वैल्यू हाई है, मतलब जब क्लॉक का वैल्यू 1 होगा तब ये गेट्स जो है सी एंड डी वो इनेबल्ड हो जाएगा. तो अब हम लोग जब भी इनपुट का वैल्यू देंगे तो आउटपुट मेरा मिलेगा, तो ये फिर वर्क करेगा जस्ट लाइक आर एस फ्लिप फ्लॉप. मतलब जब हम आर और एस का वैल्यू 0 0 देंगे और क्लॉक का वैल्यू 1 लेंगे तो उस केस में ये लास्ट वैल्यू मिलेगा, मतलब जो भी प्रीवियस वैल्यू हो वही मिलेगा 0 0 के लिए, जो कि हम लोग आर एस फ्लिप फ्लॉप में भी देखे हैं ये कंडीशन. उसी तरह से आर का वैल्यू अगर 0 लेते हैं और एस का वैल्यू 1 लेते हैं और क्लॉक भी हाई है तो फिर ये सेट हो जाएगा. सिमिलरली जब आर का वैल्यू 1 लेंगे
एस का वैल्यू ज़ीरो लेंगे और क्लॉक हाई होगा तो ये रीसेट हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू आउटपुट का ज़ीरो होगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस क्लॉक। और जब दोनों वन लिए हैं, आर का वैल्यू भी और एस का वैल्यू भी और क्लॉक वन है, तो इस केस में हम लोग इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, जो कि हम लोग ये चारों कंडीशन हम लोग प्रीवियस देख चुके हैं इसमें आर एस फ्लिप फ्लॉप में। सिर्फ यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ क्लॉक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जब तक क्लॉक का वैल्यू लो रहेगा हम लोग आर और एस का कोई भी वैल्यू देंगे इसमें कोई चेंज नहीं होगा आउटपुट में। लेकिन जैसे ही क्लॉक का वैल्यू हाई होगा, मतलब वन होगा, तभी हम लोग इनपुट का वैल्यू जो कुछ देंगे तब ये आउटपुट हमको मिलेगा, जस्ट लाइक एन आर एस फ्लिप फ्लॉप। तो उसी को हम लोग यहाँ दिखाए हैं कि वन क्लॉक सिग्नल, जिसको सी एल के से डिनोट किए हैं, बिकम्स हाई देन द इनपुट सिग्नल चेंजेस द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल। मतलब जैसा ट्रूथ टेबल में दिखाए हैं, डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यूज ऑफ द इनपुट सिग्नल, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट का वैल्यू चेंज होगा। सो इन दिस वे द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द फ्लिप फ्लॉप एट द सेम टाइम। तो क्लॉक का ये एडवांटेज हो गया कि जब क्लॉक का वैल्यू जैसे ही वन कर देंगे तो दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली अप्लाइड हो जा रहा है, मतलब सेम टाइम पर अप्लाई हो रहा है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनइक्वल प्रोपगेशन टाइम ऑफ द इनपुट सिग्नल इज एलिमिनेटेड। तो वो जो डिसएडवांटेज हो रहा था मेरा आर एस फ्लिप फ्लॉप में अनइक्वल प्रोपगेशन टाइम का, वो यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है। द क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो अ सिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बिकॉज द आउटपुट स्टेट ऑफ द सर्किट चेंजेस एट डिस्क्रीट क्लॉक्ड इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। दिस इज हाउ अ क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप वर्क्स। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू विल बी एबल टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम सिम्बॉल एंड द ट्रूथ टेबल ऑफ द क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप।